गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम इसमें पढ़ेंगे वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। ये है कार्बोनिल कंपाउंड का 8th रिएक्शन। होता क्या है, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन में कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, या वो एसाइक्लिक हो, साइक्लिक हो, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ओ, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, CH2 में, यानी एल्केन बना देता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं इसको, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन की थ्योरी लिखेंगे, मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म, देन कुछ अदर एग्जांपल हम पढ़ेंगे। तो देखिए, बहुत इंटरेस्टेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स लाइक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कन्वर्टेड इंटू एल्केन बाई एल्केन कॉमा रिडक्शन बाई NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्राजीन जो इसमें रिडक्शन करता है, वो कौन करता है, हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डाई इथाइलिन ग्लाइकोल दिस रिडक्शन इज नोन एज वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। तो ये इसकी थ्योरी हो गई। क्या करना है, जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड ओ, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में, किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन NH2। और इसमें जो सॉल्वेंट लेते हैं हम, डाइथेलिन ग्लाइकोल लेते हैं। तो सिंपल सा जो फंक्शन है, देखिए ये इसकी डेफिनेशन होगी, आप इसका एग्जाम्पल पढ़े जो थ्योरी के हिसाब से, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। अगर हमने यहां पर क्या ले लिया, ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन, ये इसका रिडक्शन क्या है, मेन क्या है, सॉल्वेंट हाइड्रोजन, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है, वो इससे निकल जाएगा H, तो यहां पर लिख देते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड से, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होकर क्या बन गया, एल्केन, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब देखिए, इसका हम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, या इसको कहते हैं रिएक्शन। तो हमने ले लिया कोई रिएक्शन R CR डबल बॉन्ड O, ये है हमारा कीटोन। यहां पर R क्या है, एल्किल ग्रुप है, देन हमने यहां पर दे दिया, इसको ऐसे लिख देते हैं H2 एंड सिंगल बॉन्ड NH2, जिसका नाम कहते हैं हाइड्राजीन। देन यहां पर क्या ले लिया, डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल एज अ सॉल्वेंट। तो क्या करता है, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, यहां से निकल जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, H2O। हमको सिंपल ही देखना है, सॉरी, इसमें एक मॉलिक्यूल क्या लेते हैं, डाइथाइलिन ग्लाइकॉल
एंड बेस के ओ एच ले लेते हैं, कॉमा या फुल स्टॉप। दिस रिडक्शन इज नोन एज वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, के ओ एच ले लेते हैं। तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ओ को हटा देना है, आपको प्रोडक्ट पे बना देना है, आर सी डबल बॉन्ड ओ था तो यहाँ पर दो एच आ जाते हैं और आर, ये हो जाएगा एल्केन। तो सिंपल सी रिएक्शन है, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ को आपने क्या कर देना है, सी एच टू कर देना है। तो यहाँ से ओ निकाला तो दो एच आ गए, तो प्रोडक्ट ऐसे ही बनाना है वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके मैकेनिज्म पढ़ते हैं। देखिए बहुत आसान है थ्योरी, इसी के हिसाब से थ्योरी लिखते हैं। हमने कहा कैसे लिखना है, अगर आपको रिएक्शन भी आ गई तो थ्योरी इसके हिसाब से बन जाती है। कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट इनटू एल्केन बाय हाइड्रोजन NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH एज अ बेस एंड डाई इथाइलिन ग्लाइकोल एज अ सॉल्वेंट फुल स्टॉप। दिस रिडक्शन इज नोन एज वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ओ निकल रहा है, हाइड्रोजन जोड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले ली होगी आपने, अब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो मैकेनिज्म आपको क्या करना है, स्टेप टू स्टेप देखते हैं कैसे मैकेनिज्म होती हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए फर्स्ट स्टेप में हम इसकी डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेंगे, देन उसके बाद स्टेप सेकेंड में बेस से रिएक्शन होगा। मैकेनिज्म मैकेनिज्म देखिए क्या लिया है हमने, आर सी आर डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया कीटोन, इसको हम क्या कहेंगे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट इससे बनेगा हमारा। स्टेप फर्स्ट में कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करेंगे, कीटोन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। स्टेप फर्स्ट में हम कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कर रहे हैं, ये बन गया कीटोन प्लस एच, इसको हम ऐसे बना देते हैं एच टू को एच एच एन और यहाँ पर एन एच टू, ये सिंपल सी रिएक्शन है। तो इससे कैसे अटक होगा, यहाँ से ओ गया, यहाँ से दो एच गए, देखिए इससे क्या निकल जाएगा, एच टू ओ ये निकल गया, बन गया इससे आर सी आर डबल बॉन्ड, ये वाला दो एच निकल गया तो ये एन जुड़ेगा इसके जगह पर। तो ध्यान दीजिए यहाँ से ओ निकल गया, दो एच निकल गया, ये एन डायरेक्ट सी डबल बॉन्ड उससे अटैच्ड होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एन एच टू ये बन गया। स्टेप सेकेंड कीटो हाइड्रोजन हो गया, रिएक्ट विद बेस, रिएक्ट विद बेस, सेकेंड स्टेप बेस से कर रहे हैं, देखिए क्या आ जाएगा, आर सी आर डबल बॉन्ड एन एन एच एच, इसके एच तो निकल गए, ये बचा है, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं बेस से के ओ एच, इसके पास निगेटिव, इसके पास पॉजिटिव, स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट निगेटिव। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बना, बेस है तो बेस को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए जिससे इजीली निकल जाए, तो इजीली हाइड्रोजन इससे निकलेंगे, ओ एच ने अटैक किया इस एच पे तो क्या निकल गया, क्या निकल गया, यहाँ से एच, यहाँ से ओ एच, तो एच टू ओ निकल गया, एच टू ओ आपका निकल गया।
अब ये क्या बनेगा, जब ये एच पॉजिटिव होगा दोनों इलेक्ट्रॉन एन के ऊपर आ जाए तो एन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। निगेटिव किस पे अटैक कर लेगा, के पे। ये बन जाएगा आर सी आर डबल बॉन्ड एन एच निगेटिव के पॉजिटिव, ये बन गया। अब इसका रेजोनेंस हो जाएगा एक, देखो रेजोनेंस में क्या होगा, इस बॉन्ड ने एन के ऊपर अटैक कर दिया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव किस पे अटैक कर लेगा, के पे। आर सी आर एन सॉरी ये हमने कैसे बना दिया, दो एच थे इसके पास, सॉरी यहाँ ध्यान देना, ये हमारा छूट गया था एक एन एन एच, तो यहाँ पर बना था ये निगेटिव निगेटिव और क्या के पॉजिटिव, ये बना था। अब इसका हमने रेजोनेंस बनाया तो ये बॉन्ड यहाँ अटैक कर लेगा, डबल बॉन्ड एन एच, अब ये न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव के पॉजिटिव, ये बन गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में इससे सॉल्वेंट जो हमारा डाइथाइलिन ग्लाइकोल है उससे रिएक्शन होगी, तो हम यहाँ पर H2O लेते हैं। तो जितने हमने KOH यूज करने हैं वैसे ही KOH निकालनी भी है, एज जो कैटलिस्ट है। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए होगी, स्टेप थर्ड पे जाते हैं हम। स्टेप थर्ड, हाइड्रोलाइसिस, क्या था हमारे पास, आर सी आर सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन एच और यहाँ पर निगेटिव के पॉजिटिव। अब हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं एच ओ एच से, तो देखिए कैसे रिएक्शन करेगा, इस निगेटिव ने अटैक किया इस एच पे और ओ एच निकल गया, ओ एच को क्या मिल जाएगा, के ओ एच। जैसे स्टेप सेकंड में यूज हुआ था वैसे आउट हो गया। अब इससे प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, आर सी आर, इसके पास एक एच आ गया, ये वाला एच देन यहाँ पर एन डबल बॉन्ड एन एच, ये बन गया। स्टेप फोर्थ, स्टेप फोर्थ, फिर इसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे, बेस से करेंगे, रिएक्ट विथ बेस, क्योंकि कब तक कर सकते हैं, इसके पास एक हाइड्रोजन और है। तो देखिए आर सी आर यहाँ पर एच एन डबल बॉन्ड एन एच, इसकी रिएक्शन हमने किसी की, बेस की, के ओ एच। तो कैसे अटैक होगा इसको हम दिखा देते हैं, स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव। तो ये अटैक करेगा, नेगेटिव ने अटैक किया इस एच पे, इस बाउंड्री यहाँ तक कर दिया, यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये बन गया प्रोडक्ट आर सी आर एच एन डबल बॉन्ड एन निगेटिव के पॉजिटिव, देन यहाँ से क्या निकल गया, एच टू, ये बन गया हमारा इतना। अब इसके बाद अटैक करेगा एच, क्यों एच अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, ठीक है। स्टेप फिफ्थ, हाइड्रोलाइसिस, और इसे कहते हैं प्रोडक्ट
फॉर्मेशन स्टेप। तो देखो क्या करना है, आर सी आर एच एन डबल बॉन्ड एन निगेटिव के पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएगा एच ओ एच। ठीक है, अब क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा के ओ एच, और जैसे ही एच ने अटैक किया तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, इस बॉन्ड ने यहाँ अटैक किया, देखिए यहाँ पर कैसे हो जाएगा, इस बॉन्ड ने यहाँ अटैक किया, डबल बॉन्ड आ गया, इस बॉन्ड ने यहाँ अटैक कर लिया, यहाँ क्या आ जाएगा निगेटिव, निगेटिव पे क्या आ जाएगा एच, और ये निगेटिव अटैक कर देगा किस पे, एच पे, तो यहाँ एच आ जाएगा और ओ एच निकल जाएगा, ओ एच को क्या मिल गया के ओ एच, और ये बॉन्ड इधर को टूट गया तो निकल गया एन टू, और यहाँ बन गया आर सी आर एच एच, जिसको हम कैसे लिखेंगे, आर सी एच टू आर एल्केन। तो वॉल्फ किसने रिडक्शन से क्या बनाया जाता है, हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है, वो एल्केन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं कुछ हम इसके एग्जांपल पढ़ लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लिया आप, कुछ इसके हम एग्जांपल पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक से, कैसे आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। मैकेनिज्म की बात तो तब आते हैं जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आए, लेकिन इसके प्रोडक्ट बनने कैसे हैं। वॉल्फ किसने रिडक्शन क्या है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कर देता है। तो देखिए अदर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं आर सी ओ एच, और हमने क्या ले लिया के ओ एच, और यहाँ पर सॉल्वेंट, सॉरी यहाँ पर ये भी लेंगे एन एच टू सॉल्वेंट लिया, और क्या लिया के ओ एच, के ओ एच और सॉल्वेंट कौन सा, डाइथाइलिन ग्लाइकोल, एक तो ये हो गया। सेकेंड देखिए आर सी ओ सी एच टू आर, इसका क्या बनेगा, सेम सेम है। थर्ड थर्ड में हम ले रहे हैं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इससे क्या बनेगा, फिर फोर्थ सपोज करो ये है डबल बॉन्ड ओ, इससे क्या बनेगा, फिफ्थ ये वाला क्वेश्चन आया है बहुत बार, इसका क्या बनेगा, देन उसके बाद सिक्स है, सिक्स क्वेश्चन सी ओ एच, इससे क्या बनेगा, सेवन बेंजीन रिंग है सी ओ सी एच थ्री, इससे क्या बनेगा एट सी एच थ्री सी एच टू सी ओ सी एच थ्री, नाइन में एंड टेन है पी एच
सी डबल बॉन्ड ओ पी एच। तो इसमें हमें शॉर्ट ट्रिक से देखने हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं। वॉल्फ किसनर रिडक्शन में करते क्या है, कोई भी कार्बनल कंपाउंड सी डबल बॉन्ड ओ जहां पर भी हो, चाहे ग्रुप कितना बड़ा हो, उसको सी एच टू में कन्वर्ट कर देना, ये इसका प्रोडक्ट कहलाता है। तो क्या लिया है, आर सी ओ एच एनएच टू एनएच टू हाइड्रोजीन के ओ एच बेस सॉल्वेंट हमने डाइथाइलिन ग्लाइकोल लिया है। तो इसमें देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, जहां पर सी ओ है यहां पर क्या आ जाएगा, दो एच आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा सी एच थ्री। तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा आर सी एच थ्री। क्या बनाने की मेथड है, हाइड्रोकार्बन, उससे वो हाइड्रोकार्बन भी कौन सा बन रहा है, एल्केन सैचुरेटेड वाला, इससे क्या बन जाएगा आर, इसमें दो एच आ जाएंगे, आर सी एच टू सी एच टू आर, आर सी एच टू सी एच टू आर, इससे भी एल्केन बन गया। देन यहां पर दो एच आ जाएंगे, सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, तो ये क्या बन गया प्रोपेन। देन इस पर क्या करना है, यहां ध्यान देना, ये है O निकाल के यहां पर आपको क्या लगा देने हैं, H H, ये है साइक्लो एल्केन, यानी फाइव मेंबर्ड है, फाइव मेंबर में भी आपको क्या बनाना है, यहां पर है कहीं पे भी कर लो आप, यहां को बना लो, यहां बना लो, सिमेट्री है ये H H। देन यहां पर दो H आ जाएंगे, तो H है तो सी एच थ्री। तो कभी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि टॉलुइन बनाने की मेथड सी एच थ्री, यानी बेंजीन के ऊपर सी एच थ्री होता है तो टॉलुइन कहते हैं, ये आपका कैसा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इससे हम किससे बना सकते हैं, बेंजाल्डिहाइड से बना सकते हैं, वॉल्फ किसनर रिडक्शन से किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, टॉलुइन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसका देखिए यहां क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग आई, देन यहां पर क्या बना देना सीओ को सी एच टू बना देना है और सी एच थ्री। इसमें देखिए यहां पर क्या आ जाएगा सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, क्या प्रोडक्ट बना ब्यूटेन। देन इसमें देखिए साइक्लिक प्रोडक्ट है एच एच, क्या बना साइक्लोप्रोपेन। इसमें देखिए पी एच सी एच टू पी एच, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बने। तो ये हमारे शॉर्ट ट्रिक हो गई, आप ऐसे ही और क्वेश्चनों को भी सॉल्व कीजिए। देन जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कीजिए, इतने क्वेश्चन मैंने कर लिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप मैकेनिज्म बनाएं, ईच क्वेश्चन के मैकेनिज्म बनाएं, 10 क्वेश्चन दिए हैं तो इनके सबके मैकेनिज्म बनाएं, जो मैंने पढ़ा दिया है उसके अकॉर्डिंग बनाएं कि स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, सेकेंड में क्या हो रहा है। अब देखिए कंपटीशन के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन बताएंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या क्या कंडीशन है। अब देखिए जो हमने सारा इतना पढ़ रखा है इसका मेन निचोड़ क्या है, क्या क्या पॉइंट आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, ये तो अभी हमने लॉन्ग क्वेश्चन बता रखा है। अगर आप बीएससी और एमएससी के लिए पढ़ रहे हो, ट्वेल्थ के लिए, तो आपको पहले थ्योरी लिखनी है, फिर आप उसकी रिएक्शन देनी है, फिर स्टेप टू स्टेप मैकेनिज्म देनी है, और मैकेनिज्म जिसको आएगी, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसको प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकता है। तो अब इसके हम पॉइंट ही देख रहे हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, यानी इंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर पहला क्वेश्चन बन सकता है आइडेंटिफाई ऑफ नेम रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन दिए होंगे या कोई एक इक्वेशन दी होगी, उस इक्वेशन में पूछा जाएगा कि ये इक्वेशन कौन सी है, क्या नेम रिएक्शन है इक्वेशन का, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। रिएक्शन अगर आपने उसने क्या दे दिया हो, ये दे दिया हो आर सी ओ आर और यहाँ पर एन एच टू के ओ एच सॉल्वेंट, प्रोडक्ट बन जाएगा आर सी एच एच आर। तो मैंने कह रखा है आपसे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर हाइड्रोजन हो, बेस हो और सॉल्वेंट हो तो वो क्या होती है, वॉल्फ किसनर रिडक्शन, खुद ही पता चल रहा है सी इसको किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है सी एच टू में। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, एल्डोल दिया होगा, बेंजोइन दिया होगा, न्यू बेंजियल दिया होगा और वॉल्फ किसनर रिडक्शन दिया होगा।
तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सेकंड हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, सीएसआईआर नेट जीआरएफ में पूछा जाता है। ये कह रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट बना, इन प्रोडक्ट में जो एच आए हैं उसको सर्किल कर लेता हूं मैं, ये एच कहाँ से आए हैं। नीचे ऑप्शन होगा उसमें H2N NH2 से आया है, या आपका किससे आया है, या KOS से आया है, या सॉल्वेंट से आया है, यह पूछा जाएगा, नन ऑफ दीज। तो मैंने पहले बता चुका हूं कि जो ये हाइड्रोजन होता है, या हाइड्रोजन किससे आया रहता है, सॉल्वेंट से। तो ये आपके दो तीन क्वेश्चन बन गए इसी से ही, दो क्वेश्चन। सेकंड थर्ड आ जाएगा प्रोडक्ट, वही रिएक्शन आधी दी होगी उसको कंप्लीट करना है, तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको इससे और इससे आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट बना लेना है। जैसे उसने ये रिएक्शन इतनी दी हो, R CO R, और यहाँ पर सेम सेम दिया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ए कह रखा है वो R CH3, बी कह देगा R CH2 CH2 R, सी कह देगा R सिंगल बॉन्ड R, डी कह देगा R CH2 R। तो कौन सा ऑप्शन सही है, अब तो आपको काफी पता चल गया होगा, R CH2 R, ये वाला ऑप्शन सही है, ये पूछा जाता है प्रोडक्ट। फोर्थ साइक्लिक प्रोडक्ट हो गया, इसमें प्रोडक्ट पूछ लिया है, और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मेनली यही बनेंगे, बेस का भी काम इसमें हो ही गया है बेस। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तीन चार जो कंपटीशन के लिए बनते हैं प्रोडक्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।